साथियों, मैं मनोज चौधरी और आज की इसमें बात करेंगे फैल्कन डिवाइस के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही पता चल गया है कि इस वीडियो में किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं, तो इस वीडियो में बात करने वाले फैल्कन डिवाइस के बारे में। साथ ही मैं फैल्कन डिवाइस का अनबॉक्सिंग करूंगा, बताऊंगा ये डिवाइस कितने प्राइस का है और देखने में कैसा है, कहां पर इसको यूज कर सकते हैं, कैसे इसको बुक करना है, सीओडी रहेगा, प्रीपेड रहेगा, कितना प्राइस पे करना है, सारी चीज आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। हालांकि मैंने फैल्कन डिवाइस के बारे में बहुत सारा वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लेकिन क्या होता है कि कितने मेरे ऐसे सब्सक्राइबर है जो कि नए, उनको नहीं पता होता है कि फैल्कन डिवाइस क्या है, तो मैं हर बार वीडियो बनाता रहता हूं और जब भी मेरे पास कोई बड़ा स्टॉक आता है, भारी मात्रा में डिवाइस आती है, तो मैं उसका एक वीडियो बना देता हूं। तो आज मैं एक भारी मात्रा में, एक भारी स्टॉक में इस वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें आपको बताऊंगा सारी इन्फॉर्मेशन, मैं शेयर करूंगा कितने प्राइस का डिवाइस है, कैसे इसको यूज किया जाता है, यूज करने का मैंने वीडियो बनाया हुआ है और ये देखने में कैसा, मैंने हर तरह का वीडियो पहले से बना रखा है, लेकिन मैं एक वीडियो और यहाँ पर बना रहा हूँ जिसमें आपको बताऊंगा। तो जितने मेरे नए सब्सक्राइबर उनको ये पता चलेगा कि ये डिवाइस कैसा है और चलाने में कैसा लगता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मनोज चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चौधरी एसोसी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सारा का सारा फैल्कन डिवाइस है, ये 5 पीस का बंडल है, तो इसे हम रखते हैं बगल में अभी, ठीक है। अभी और भी यहाँ पर डिवाइस है, टोटल यहाँ पर 15 पीस डिवाइस आई थी, ये 5 पीस का है, तो टोटल हो गया 10 पीस, ठीक है। अभी यहाँ पर 5 पीस का एक बंडल और था जिसमें से बचा 1 पीस, 4 पीस मैंने डिस्पैच कर दिया। डिवाइस आए हुए 2 से 3 दिन हो जा रहा है, मतलब 4-5 दिन हो जा रहा है, लेकिन मैं इसका वीडियो बना नहीं पा रहा था, जिसमें से मैंने 4 डिवाइस को सेल कर दिया है। ये टोटल 5 का बंडल था, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेकिन इसमें से मैंने 4 डिवाइस, एक बंडल का जो था इसको मैंने तोड़ के 4 बेच दिया है और एक बचा हुआ है। तो काफी लोग का ये सवाल आता है कि इनके पास स्टॉक नहीं होगा, ये फ्रॉड होंगे। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि सर आपसे डिवाइस लेना चाहते हैं और आपको पेमेंट कर दे, कहीं आप डिवाइस ना भेजे। तो खासकर ये वीडियो उनके लिए होता है क्योंकि देखिए मेरे पास इतना सारा स्टॉक है और ये मेरे पास स्टॉक नहीं होता तो आपको दिखाता क्यों? अगर मेरे पास स्टॉक है तो मैं फ्रॉड क्यों करूंगा? मैंने डिवाइस सेल करने के लिए मंगाया हुआ है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा रख लेंगे, डिवाइस देंगे नहीं, तो मैं डिवाइस किस लिए रखूंगा? डिवाइस वो लोग फ्रॉड करते हैं जिनके पास डिवाइस ही नहीं होती, वो केवल एक डिवाइस दिखाकर ही मतलब आपको दिखा देते, बाद में वो फ्रॉड करते, लेकिन मेरे पास तो भारी मात्रा में स्टॉक है, मैं फ्रॉड क्यों कर सकता हूँ? तो वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप देख सकते हैं, और ये जो इसका डिवाइस का जो प्राइस पड़ता है, मैं आपको प्राइस बताने वाला हूँ। और सबसे पहले अगर बात करते हैं तो ये जो डिवाइस ये हर एक पोर्टल में काम कर रहा है, अभी फिनोबैन में काम कर लेता है, स्पाइस में भी काम कर लेता है, ठीक है, पेनियर में काम करता है, डीजीपी में काम करता है, ऐसे कई सारे पोर्टल है जिसमें ई वैल्यूट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ई वैल्यूट कंपनी का होता है, ठीक है। और ये ब्लूटूथ फिंगरप्रिंट डिवाइस है जिसमें आपका, मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ डिवाइस, हालांकि मैंने इसका अनबॉक्सिंग किया हुआ है। तो इसमें आपको एक चार्जर मिलता है, एक डिवाइस ही मिलती है। डिवाइस देख पा रहे हैं, ये काफी खूबसूरत है। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट होता है, यहाँ पर इसका प्रिंटर होता है, ये ब्लूटूथ से काम करता है, इसकी आईडी सिर्फ लाइफ टाइम होती है। इस डिवाइस को परचेस करेंगे एक बार, इसकी आईडी सिर्फ लाइफ टाइम होती है, इसमें प्रिंटर और बायोमेट्रिक दोनों होता है, ठीक है। ये लेने का तरीका क्या है, प्रीपेड और सीओडी दोनों मिल जाता है। यदि आप प्रीपेड में बुक करवाते हैं, इसका जो प्राइस है वो 11,800 पड़ता है, और सीओडी में बुक करते थे तो इसके पहले जो प्राइस था वो था 12,000 रुपए, लेकिन अभी क्या है, अभी जो डिवाइस का प्राइस है, मतलब जो फिक्स प्राइस है वो 11,800 रुपए है, और ये प्रीपेड के लिए है। और मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग ज्यादा सारे प्रयास करें प्रीपेड लेने में, सीओडी प्रयास ना करें। और यदि आप सीओडी लेना चाहते हैं तो सीओडी में क्या होगा, जो भी इसका चार्जेस लगता है सीओडी में, मतलब आपको मैं इसका स्लिप दूंगा, प्रीपेड में बुक करेंगे तो उसको चार्ज नहीं पे करना है, 11,800 में आपका हो जाएगा। लेकिन यदि आप सीओडी करना चाहते हैं तो 11,800 तो आपका डिवाइस का प्राइस है ही है, लेकिन जब सीओडी करेंगे, सीओडी इनवाइस बनाने में जो भी उसका आपका अमाउंट आता है, मतलब रसीद जो भी बनता है पेमेंट का, जैसे कि मान के चलो पहले 200 बनता था, अभी क्या 220, 240 या 300 के आस पहुंच जा रहा, जो भी बनता है वो अलग अलग स्टेट का या अलग अलग मतलब डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग प्राइस बनता है, लेकिन जो मैक्सिमम बनता है वो 200 से लेकर 260 के बीच में बनता है। तो जो भी प्राइस बनेगा एक्स्ट्रा वो आपको पे करना होगा। पहले क्या था, 12,000 पे करना था, वो फिक्स प्राइस था, मतलब कि आपका मेरा जो चाय वो 300 लेके 400, उससे आपको मतलब नहीं था, केवल आपको 12,000 पे करना। लेकिन अभी क्या है, अभी चार्ज थोड़ा सा बढ़ चुका है, लेकिन आपको, आप लोकल के रहने वाले होंगे, मतलब ज्यादा दूरी नहीं आपकी है, यूपी के रहना, हो सकता है आपका चार्जेस कम भी लगता है, 200 के अंदर भी लग सकता है। तो वहां पर क्या था कि आपको 12,000 रुपये करना था, ऐसे में क्या है 11,800 इसका प्राइस है और आपका जो दूरी वो कम है, तो हो सकता है आपको 100 रुपये पे करना पड़े। तो जो भी आपको पे करना होगा, ठीक है, उसका मैं आपको बिल दूंगा रसीद बनाकर, जो भी चार्जेस है वो आपको पे करना रहेगा। मान के चलो अगर 11,800 प्राइस है, 250 निकलता है, तो आपको टोटल कितना 12,500 हो जाएगा, ठीक है, 12,050 रुपये हो जाएगा। तो जो भी प्राइस आपको पे करना होगा, और सीओडी का, अगर सीओडी में बुक करते हैं, कई लोग बोलते हैं कि सर सीओडी बुक करना चाहते हैं, सीओडी बुक करने के लिए आपको 500 पहले पे करना होता है, ठीक है,
500 पे करना होता है, 500 पे करने के बाद जो भी आपका माइनस करते हो, जो भी प्राइस बचता है उसका हम आपको सीओडी कर देते हैं, ठीक है, वो प्राइस आपको मिलने के बाद पे करना होता है। यदि आप प्रीपेड कर लेते हैं तो प्रीपेड में आपको डिवाइस भी मिल जाती है। कई जगहों पर क्या होता है कि हमारी जो कोरियर सर्विस है वो सर्विस अवेलेबल नहीं होती है, तो वहां पर सीओडी की सर्विस नहीं हो पाती, वहां पर हमको पोस्ट ऑफिस से सेंड करना होता है। अब देखो मैं एक इनवॉइस दिखा देता हूँ, तो मैं आपको एक इनवॉइस दिखा दूँ जिसमें मैंने बिल बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये है आपका जा रहा है फरीदाबाद हरियाणा के लिए, आप इसको देख सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखा दूंगा, शायद उल्टा दिख रहा होगा आपको, तो मैं इसका फोटो दिखा दूंगा। ये 11,500 का बना है सीओडी, ठीक है। तो ये इनवॉइस जब बनता है तो एक इसका जो पेमेंट होता है, जो करता है, जब वो बन जाता है पहले से, तो उसका मैं स्लिप दिखा दूंगा। तो ये इसका इनवॉइस बनता है, तो कई जगह पर इसका सर्विस नहीं होता है, और मैं आपको ज्यादा से सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीपेड में बुक करें। आपको ट्रस्ट लगता है तो भाई बुक कीजिए, और ट्रस्ट नहीं है तो सीओडी करके क्या करेंगे। कई लोग सोचते हैं सीओडी में करेंगे, अरे आप ट्रस्ट नहीं रहेगा, अगर किसी को फ्रॉड करना है तो आपका 500 ही फ्रॉड कर सकता है, ये बात ध्यान रख लीजिए। लेकिन ऐसा मेरे वहां होता नहीं, मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो मैं आपको दिखा रही इसमें क्या मिलता है, आपको एक डिवाइस मिलती है, इसमें एक रोल रहता है जिसमें आपका प्रिंटिंग वगैरह टेस्टिंग पेपर रहता है, आप देख सकते हैं ये आपका टेस्टिंग पेपर रहता है, टेस्ट कर इसमें डाला गया होता है, और बहुत ही खूबसूरत डिवाइस है, देखने में काफी अच्छा, बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा है इस डिवाइस का। और ये दो कलर में भी अवेलेबल है, व्हाइट में भी है, और इसमें एक केबल एक चार्जर होता है, और ये रेड कलर में भी है। तो आपने देख ही लिया, ये एक सिंगल पीस का है, और ये टोटल आपका आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम रखते हैं अभी, चलिए इसे हम फटाफट खोल भी लेते हैं, हालांकि खोलना इसे है ही है, तो खोल भी लेते हैं इसे, चलिए फटाफट खोल लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा डिवाइस है, हालांकि इसका सेलिंग मेरा काफी ज्यादा होता है, और मैंने इसका बहुत सारा डिवाइस सेल किया हुआ है, मान के चले अभी मेरे पास इसका जो है 100+ हो चुका है ये डिवाइस। तो ये जो स्लॉट हमारे पास है, ये हमारा रेड कलर का है, सॉरी ये फट गया, हमने इसके साथ जबरदस्ती कर दिया, चलिए फटने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि खोलना था ही, लेकिन तो चलिए फट गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से। सबसे अच्छी बात इसका बॉक्स काफी अच्छा आता है, मुझे बॉक्स काफी अच्छा लगता है देखने में, इसका पैकिंग वगैरह काफी अच्छी होती है। आप देख पा रहे हैं ये न्यू डिवाइस है जिसको मैंने ओपन किया है, तो इसमें जो ये रेड कलर है देख सकते हैं आप, ये रेड कलर का डिवाइस है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत कलर ये रेड कलर मुझे लगता है। और यहाँ पर मैं आपको व्हाइट दिखा दूँ, तो व्हाइट भी आप देख सकते हैं, तो आप व्हाइट भी देख सकते हैं, ये व्हाइट कलर है और ये रेड कलर, दोनों बहुत ही खूबसूरत कलर है, दोनों देखने में काफी अच्छा लगता है, ठीक है। बाकी इन सभी डिवाइसों के बारे में और भी आप जानना चाहते हैं कि कैसे इसको यूज करना है, कैसे इसको मैनेज करना है, तो इसके लिए बहुत सारा हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं फेल्कन डिवाइस, साथ में डाल देंगे चौधरी एसोसिएट, तो मेरा वीडियो आपके सामने आ जाता है। और हालांकि सबसे ज्यादा जो वीडियो आता है वो मेरा ही आता है फेल्कन के बारे में, आप देख सकते हैं और सारा कुछ जान सकते हैं, कैसे इसको सेटिंग करना है, कहाँ पर इसको यूज किया जाता है, और हमने हर पोर्टल में इसको यूज करके लाइव दिखाया, जो भी पोर्टल मेरे पास है पहले से अवेलेबल उन सभी पोर्टल मैंने इसको यूज करके दिखाया हुआ है। तो ये आपने डिवाइस तो देख ही लिया कि स्टॉक में आ चुका है, लेना चाहते तो ले सकते हैं, ठीक है। अभी और भी चीज आपको दिखा देते हैं, इसको रखते हैं बगल में, बाद में इसको पैक करेंगे। अब बात आती है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है आपका ई वैलेट, ठीक है। अभी हाल ही में एक हफ्ता पहले यानी कि 1 वीक पहले हमने इसका वीडियो डाला हुआ था, जिसमें मान के चलिए 16 पीस आया था जो कि बिक चुका हुआ है, अभी इसके साथ में आया हुआ है जो कि मान के चलिए 10 या 9 पीस होगा, 10 पीस होगा शायद, 10 पीस हमने बुक किया था, 10 में से 1 पीस सेल हो चुका है, टोटल 9 पीस है। तो इसे भी लेना चाहते हैं इसको भी ले सकते हैं, हालांकि इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, इसके बारे में वीडियो बना रखा है जिसमें डाला था पहले थंबनेल पे कि 501 रुपए में डिवाइस बुक कीजिए। काफी लोगों ने मेरे पास कॉल किया था सर आप 501 रुपए में डिवाइस दे रहे हैं, तो जब भी मैं उनसे पूछता था कि 501 में आपने कहां देखा, तो बोला कि हमने बैनर पे देखा है कि 501 में लिखा, हमने बोला वीडियो आपने देखा है, तो बोला सर वीडियो तो नहीं दिखाया। तो यदि आप वीडियो पूरा देख लेते हैं आपको जानकारी मिल जाती है, लोग वीडियो बिना देखे भी पहले ही कॉल कर देते हैं, तो आप वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कैसे इसको बुक करना है, क्या इसका रूल्स होता है, ठीक है, ये सारा कुछ जानने के बाद ही कॉल कीजिए। अभी हम बात करें इसकी गारंटी की, कई लोग इसको बोलते हैं कितना साल का होता है, तो इसका 1 साल का होता है, ठीक है। 1 साल के अंदर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे इसको भेज सकते हैं, मैं इसको रिप्लेस करके दूंगा। हालांकि किसी का डिवाइस अभी तक खराब नहीं हुआ, मैं 2 साल से सेल कर रहा हूँ, किसी के डिवाइस में कोई भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया हुआ है। यदि आप फेल्कन यूज करते हैं तो फेल्कन यूज की तो कोई दिक्कत नहीं होता है, यहाँ पर देखिए इसका जो होता है ये बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, स्टिकर नीचे होता है, लेकिन जब ई वैलेट आप यूज करते हैं इसके पीछे स्टिकर मिट जाता है बार बार, तो आपको क्या करना है, जब भी डिवाइस को आप परचेज करते हैं तो पीछे एक स्टिकर टैप लगा देना व्हाइट कलर का, व्हाइट टैप लगा देंगे तो इस पीछे का जो ये होता है सिर्फ ये मिटता नहीं है, ठीक है। डिवाइस को सेव रखेंगे, कोई दिक्कत हो मेरे पास भेजेंगे, मैं इसको रिप्लेस करके दे दूंगा,
ठीक है, तो आपको डिवाइस को सेफ्टी रखना है, रिप्लेसमेंट है उसका रिप्लेस कर दूंगा। तो रिप्लेसमेंट का डाउट मैंने क्लियर कर दिया, एक साल के अंदर कोई दिक्कत हो तो मैं इसका रिप्लेस कर दूंगा। कई लोग ये भी बोलते हैं कि सर एक साल के बाद खराब तो क्या करेंगे, भाई एक साल के बाद खराब उसका सोल्यूशन बाद में दिखा है, लेकिन अभी तो दो साल का किसी का डिवाइस खराब नहीं हुआ है। अगर आप सही तरीके से यूज करते इसका बैटरी नहीं खराब होगा ना इसका कोई दिक्कत होने वाला। इसकी जो आईडी सबसे लाइफ टाइम है बाकी मैंने बताया दिया है, तो दोनों आप ले सकते हैं। बस वीडियो बनाने का मकसद ये होता है जो लोग डिवाइस लेना नहीं चाहते हैं और डर में रहते हैं, इनको फ्रॉड का काफी शंका रहता है, उन्हीं लोग को ये वीडियो बनाया जाता है ताकि इनको मोटिवेशन मिले और वो डिवाइस लेने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो कई सारा स्टॉक है और भी किसी तरह के डिवाइस मेरे पास आप लेना चाहते हैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि बहुत सारे भाई ऐसे थे जो कि सीओडी में डिवाइस सेल कर रहे थे, वो सारे के सारे भाई बंद कर दिए। ठीक है, तो मेरा अभी सीओडी चल रहा है लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा सीओडी आप लोग ना कीजिए। सीओडी में क्या होता है, बहुत सारे भाइयों का डिवाइस कैंसिल होकर रिटर्न आ जाता है। रिटर्न आने में क्या होता है कि हमें भी दिक्कत है, उनको भी दिक्कत है, वो डिवाइस लेना चाहते हैं लेकिन डिवाइस किसी कारण से कैंसिल होकर आ जाता है तो हमें भी काफी दिक्कतें होती है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको एक और शेयर करना चाहेंगे, और यदि आप डिवाइस मेरे पास से बुक कर लेते हैं, 500 रुपए सीओडी में जमा कर देते हैं और किसी कारण से आप डिवाइस कैंसिल कर देते हैं या कैंसिल आ जाता है, मान के चलिए अगर आप उसको लेने के लिए इच्छुक है, डिवाइस किसी कारण से कैंसिल आ गया, तो मैं दोबारा उसको प्रीपेड ही करता हूं। आपको प्रीपेड ही लेना पड़ता है, डिवाइस रिटर्न आ गया लेने के लिए तैयार है, किसी कारण से ये रिटर्न आ गया तो आप जो बाकी पेमेंट होगा वो प्रीपेड में कर देंगे, मैं डिवाइस शेयर कर दूंगा। और यदि आप डिवाइस आपके पास गया, आप उसको कैंसिल कर दिया, नहीं लेना चाहते हैं, तो आपका जो 500 रुपए नॉन रिफंडेबल रिफंड नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है जब डिवाइस यहाँ से जाता है तो जाने का भी आने का दोनों चार्ज काटा जाता है, ध्यान में रख लीजिए। सीओडी में काफी दिक्कत होती है, बहुत ही एक तरह से मतलब परेशानियां होती है हमें भेजने में, तो लेकिन हम इसे झेल लेते कोई दिक्कत है। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, यदि सीओडी करवाते हैं 500 रुपए जमा करते हैं, किसी कारण से अगर मान लीजिए आ जाता है आप लेने के लिए तैयार रहता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको दोबारा से भेज देता हूं लेकिन प्रीपेड मोड में भेजता हूं दोबारा। ठीक है, और वहां डिवाइस पहुंचने के बाद आपने कैंसिल डाल दिया, कैंसिल कर दिया, आप बोले मुझे नहीं चाहिए, बाद में कॉल करके बोलते मेरा पैसा रिटर्न कीजिए, तो आप पहले ही ध्यान में रखिए पैसा रिटर्न नहीं होता है। ठीक, क्योंकि पैसा वो जो चार्ज हमारा कट जाता है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, बस यही कुछ आपको जानकारी शेयर करना था। यदि वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों यदि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह नई नई वीडियो को मिलती रहे। साथ ही में आप कोई भी आईडी वगैरह मुझसे लेना चाहते हैं किसी कंपनी का, जैसे कि मान के चलो आप फिनो बैंक आईडी लेना चाहते हैं, स्पाइस मिनी, पेयर बाय और बोले तो रफी पे, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको हर तरह की आईडी मिल जाएगी। और दोस्तों यदि वीडियो देखने के बाद ही पूरा कॉल कीजिए, जानकारी लिए कॉल ना कीजिए, मैंने हर तरह की जानकारी वीडियो में दे रखता हूँ। और कई सारे लोग जानकारी लिए कॉल करते हैं, परेशान करते हैं, आप हमेशा व्हाट्सअप कीजिए, फोन बंद करने को तो व्हाट्सअप कर दिए, व्हाट्सएप पे बातचीत करके बाद में आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे ना ही आप कोई लंबा चैट कीजिए। काफी लोग ऐसे थे कि व्हाट्सएप पे सारा चीज पूछना चालू कर दें, कुछ चीजें ऐसी होती जो कि पॉसिबल नहीं होता कि हम व्हाट्सएप पे उसको आपको बता सके। बहुत सारे लोग पूछना चालू कर देते कितने प्राइस का है, तो हर बार चैट करने में अच्छा भी लगता है कि वही टाइम नहीं था, और बहुत से लोग खाली थे हर बार चैट ही करते हैं, तो आप पूरा इसके बारे में जान लीजिए, सर्च कर लीजिए, समझ लीजिए, तब मेरे पास कॉल कर लीजिए। और सब कुछ आपको पता रहता तो आप सीधे बोलिए सर मुझे डिवाइस लेना है, और आप अकाउंट नंबर दीजिए, मैं एड्रेस सेंड करता हूँ और उसमें आप 500 पेमेंट कर देंगे। ठीक है, मैं आपको इनवॉइस बना के दे दूंगा और आपके एड्रेस पे डिस्पैच कर दूंगा। ठीक है, बहुत सारे लोग वीडियो देखने के बाद भी तरह तरह के सवाल करते थे, ये अच्छा नहीं होता है, तो बस आपको ये छोटा सा जानकारी शेयर करना था। वीडियो अच्छा आता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मिलेंगे कैसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।